द्वादशी, ठीक है। तो कल सबने भैमी एकादशी का व्रत का पालन किया। तो इस्कॉन में एकादशी मींस फीस्टिंग, नॉट फास्टिंग, है ना। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा, इसका बास बहुत ज्यादा, LF को थोड़ा कम करो, लो फ्रीक्वेंसी को। हरे कृष्ण। तो आप जैसा जानते हैं कि जयदेव गोस्वामी जो 12वीं शताब्दी में हुए थे, महा भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने गीत गोविंद लिखा। तो गीत गोविंद एक ऐसा ग्रंथ लिखा उन्होंने कि आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए रोज रात को उनको सुनाया जाता है, उसके बिना नींद नहीं आती जगन्नाथ जी को। और दूसरा, रात के जो वस्त्र पहनाए जाते हैं जगन्नाथ जी को, उन वस्त्रों में गीत गोविंद प्रिंट नहीं होता है, उसमें वीव किया जाता है गीत गोविंद को। आप समझ रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग, ऐसा नहीं कपड़े के ऊपर छापा मार दिया गीत गोविंद का, लेकिन जब वो बनाया जाता है कपड़ा, वीव किया जाता है, उसी के अंदर गीत गोविंद है, वो कपड़ा पहनाया जाता है जगन्नाथ जी को, उसके बिना नींद नहीं आती जगन्नाथ जी को, ठीक है। तो वो गीत गोविंद का एक पार्ट है जिसका नाम है दशावतार स्तोत्रम, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा कि भगवान के जो 10 मेन, भगवान के तो वैसे बहुत इंकारनेशन हुए हैं, लेकिन उसमें से जो 10 मेन इंकारनेशन हुए भगवान के, उनके लिए जयदेव गोस्वामी ने वो दशावतार स्तोत्रम लिखा, गीत गोविंद का पार्ट है वो। और जो आप रोज नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह आरती के अंदर जो पार्ट है तव कर कमल वरे नख मद भूत श्रृंगम, वो भी गीत गोविंद का है और दशावतार स्तोत्रम का पार्ट है। और उसमें मेन 10 अवतारों का वर्णन करते हैं जयदेव गोस्वामी। पहला मत्स्य अवतार, दूसरे कूर्मा, तीसरे वराह, चौथे नरसिंहदेव, पांच में है परशुराम, सॉरी हरे कृष्ण। उसके बाद भगवान वर्णन वामन का पांचवें पे, छठे पे भृगुपति, सेवंथ इज लॉर्ड राम, एट्थ इज बलराम, नाइन्थ लॉर्ड बुद्धा एंड टेंथ इज कल्कि। ओके, तो बहुत भजन तो बहुत लंबा है, उसको गाएंगे तो समय नहीं बचेगा फिर। तो हम सिर्फ वराह देव के लिए वो जो श्लोक लिखा है उन्होंने उसको गाएंगे, करताल। ओके, हरे कृष्ण। और इसके बाद एक श्लोक हम भागवतम का लेंगे और फिर चर्चा करेंगे वराह द्वादशी पे। हरे कृष्ण। वसति दशन शिखर धरणी तव लग्न शशिकलंक कलेव निमग्न वसति दशन शिखर वसति दशन शिखरोधरणितवलग्ना शशिकलंक कलेव केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे
भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वराह द्वादशी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। तो डायरेक्टली मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा श्लोक होगा, डिस्क्रिप्शन होगा एंड देन वी विल स्टार्ट। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। सो प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन स्पीक समथिंग ऑन वराहदेव। आई एम नॉट क्वालिफाइड एंड आई थैंक टू अमरिंदर रिपू। ही इज एक्सपर्ट इन कॉस्मोलॉजी। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कुछ पॉइंट्स को लेके, मनु एंड अदर थिंग्स। सो ये भागवतम का श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे, प्लस जो लेक्चर का रूपरेखा इस प्रकार से रहेगा। आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट एंड देन कुछ उसके ऊपर तत्व की बात होगी, तत्व समझाया जाएगा अलग अलग चीज़ों का। एंड देन विल कम टू द मेन पास टाइम, हुआ कैसे स्टोरी, एंड स्टोरी के साथ साथ लेसन्स भी ड्रॉ करेंगे उसमें, हमें क्या सीखने को मिलता है वहाँ से। ठीक है, वैसे तो आप सबको पास टाइम तो पता ही है वराहदेव का, तो लेकिन फिर भी जितनी बार भगवान का बारे में श्रवण करो उतना अच्छा है। तो ये श्लोक है 3:13-18। तो
तो इसमें बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, वो कहते हैं विदुर को बता रहे हैं, इत्यभिध्यायतो नासा, इत्यभिध्यायतो नासा विव्रात सहसानगा, विव्रात सहसानगा वराहातो को निर्गादा, वराहातो को निर्गादा अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगुष्ठ परिमाणकः। तो जब इत्याभिध्यातो नासा, जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे वो बताएंगे, जब ब्रह्मा जी ये सब सोच रहे थे, एक छोटे आकार का वराह, कितने साइज का, अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के अगले भाग के हिस्से का छोटा सा, इन द फॉर्म ऑफ वराह देव, एक प्राणी कहां से प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की नॉस्ट्रल, नास, कहां से, नासिका से प्रकट हुआ। तो अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट पहले चर्चा करेंगे क्या है। देखिए, भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, ठीक है, और भगवान के एक अवतारों को छह कैटेगरी में डाला गया, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार इत्यादि इत्यादि। तो ये पर्टिकुलर जो अवतार है लीला अवतार है, क्योंकि एक लीला करके ये जस्ट केम फॉर वन पर्टिकुलर थिंग, वराहदेव प्रकट हुए एक पर्टिकुलर काम के लिए, वो करके चले गए, वापस चले गए, तो इसलिए लीला अवतार में आते हैं। और यहां पर जब बात हो रही है कि ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी के कितनी उम्र होती है, ब्रह्मा जी की 100 साल होती है, तो ब्रह्मा जी की 100 साल मतलब कि उनके एक साल में 360 दिन होते हैं, हमारे 365 होते हैं, बट एक्चुअली लूनर कैलेंडर के हिसाब से 360 दिन होते हैं। तो 360 दिन उनके दिन होते हैं, 360 रातें होती है, मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब हमारे जो चार युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता एंड कलयुग, इन चारों को अगर मिला लें तो होता 43 लाख साल रफली, इतना होता है। तो इनको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 1000 चतुर्युगा इज कॉल्ड 1 कल्प, विच इज इक्वल टू 12 घंटे और ब्रह्मा, और इतनी बड़ी रात होती 12 घंटे की। और ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो कि रफली 430 करोड़ हुआ, 43 लाख × 1000 430 करोड़, तो 430 करोड़ का जो टाइम है उनका, वर्षों का 12 घंटे, उसमें 14 मनु प्रकट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करें 14 से इसको, तो रफली आता है 71 चतुर्युग। एक मनु के पास कितने चतुर्युग होते हैं, 71, 71 चतुर्युग। और ये ब्रह्मा जी का पहला दिन नहीं है, जब हम जहां बैठे हैं अभी, ब्रह्मा जी का फर्स्ट डे नहीं है, ब्रह्मा जी ऑलरेडी मिडल एज पार कर चुके हैं, 51 या 52 के आसपास है कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी इस टाइम हमारे, 57 पहुंच गए, ओके थोड़ा और बढ़ गए, पिछली भागवतम क्लास से ज्यादा हो गया, मतलब लास्ट 10 साल पहले जो मैंने चेक किया था, वो तेजी से बढ़ रही उम्र उनकी, है ना, जस्ट जोकिंग। तो 57 साल के रफली हैं, तो मिडल एज पार कर चुके हैं। उसमें भी जो ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, उसमें भी दोपहर के बाद का समय चल रहा है, अभी जो करंट दिवस है, और ये जो समय है, ये कौन सा मनमंत्र चल रहा है, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु मतलब जो विवस्वान है के पुत्र हैं वैवस्वत, उनका टाइम ये चल रहा है। उसके अंदर भी ये 28वां कलयुग है, 71 में से जो 28वां चतुर्युग खत्म हो जाएगा आज से 4,27,000 साल बाद, ठीक है। तो आज का जो दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, आज के दिन में जो पहले मनु थे वो थे स्वयंभू मनु, ठीक है, स्वयंभू मनु। तो भागवतम में अगर जब पढ़ते हैं, तो भागवतम में कुछ भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हों या कोई भी जो स्टोरी बता रहा है, ये नहीं कि पहले हम स्वयंभू मनु का सारा डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरे मनु का, फिर तीसरे मनु का, फिर तामस मनु का, फिर इसका, फिर चाक्षुष मनु का, करते करते फिर हम जाएंगे, नहीं। मेनली तीन जो मनु के टाइम का डिटेल में डिस्कशन हुआ है भागवतम में, वो है स्वयंभू मनु,
दूसरे हैं चाक्षुष मनु और तीसरे हैं वैवस्वत मनु। इन्हीं तीनों का ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। वैवस्वत मनु का ज्यादा नाइन्थ कैंटो से, एट कैंटो नाइन्थ कैंटो शुरू हो जाता है, जिसमें चंद्रवंश सूर्यवंश इत्यादि के सारे आते हैं। और इस प्रकार से, और बीच में कहीं स्टोरी शुरू हो जाती है, कहीं स्टोरी शुरू हो जाती है। अभी थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो से स्वयंभू मनु शुरू होंगे, लेकिन थर्ड कैंटो में चाक्षुष मनु भी बीच में चल रहे हैं, बीच में स्वयंभू मनु चल रहे हैं, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि हो क्या रहा है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, हमें मेनली तत्व समझना है और हमें यह समझना है हमारे लिए क्या टीचिंग्स है, ठीक है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज अगर सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता तो सुखदेव गोस्वामी फिर हर मनु का डिटेल में बताते, पूरे सात मनु अभी तक का लेके पूरा डिटेल बताते और फिर शायद परीक्षित महाराज को सात दिन कम पड़ते। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने बताया, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर जो कंटेक्स्ट ये आ रहा है कि स्वयंभू जब प्रकट किया ब्रह्मा जी का, आज का दिन जो चल रहा है उसमें ब्रह्मा जी जब दोबारा जगते हैं नींद से, देखिए जब भी उसमें थोड़े प्रलय भी समझा देता हूं आपको मैं बेसिकली। जब प्रलय, कई प्रकार के प्रलय होते हैं, जब युग परिवर्तन होता है तो एक डिवास्टेशन, उसको वो नहीं कहेंगे बड़े लेवल की, बट युग परिवर्तन जब होता है तो हाहाकार होती है कुछ, जैसे अब कल की आएंगे वो मारकाट करेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, तो जब युग परिवर्तन होता है तब भी डिस्टर्बेंस होती है, और वो कोई वो अर्थ भी होती है काइंड ऑफ। लेकिन जब मनवंतर चेंज होता है, दो मनु का टाइम बीच में चेंज होता है, तब भी प्रलय आता है। अब इसमें श्रीधर महाराज जो हमारे ओरिजिनल कमेंटेटर हैं, वो ये मत रखते थे कि कुछ कुछ मनु के टाइम में प्रलय आता है, सबके नहीं आता है। जैसा उन्होंने कहा कि स्वयंभू मनु का भी टाइम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन बीच में अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया था, इसलिए उस टाइम मनवंतर चेंज हुआ और वहां पे प्रलय आया। दूसरा वो देते हैं चाक्षुष मुनि, चाक्षुष मनु सिक्स्थ मनु का टाइम देते हैं कि उसमें दिन के समय, अभी मनवंतर भी चेंज नहीं हुआ था लेकिन दिन के समय ही प्रलय आ गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी की थोड़ी आंख लग गई थी, एंड दैट वाज कंसीडर्ड स्लीप ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को थोड़ी झपकी लगी, क्या हो गया, ब्रह्मा जी सो गए, हो गया जी प्रलय, तो वो नहीं। तो जब ये ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो मनवंतर के समय, लेकिन जीव गोस्वामी इसको मार्कंडेय पुराण और अदे जगह से कोट करके फिर कंफर्म करते हैं कि हर मनवंतर के बाद प्रलय होता है, जीव गोस्वामी इसको क्लियर करते हैं। तो मनवंतर में जो प्रलय होता है वो एक एक डिग्री का होता है कि भूमंडल तक, और भूमंडल तक आई थिंक सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब ब्रह्मा जी सोते हैं, जब उनका एक दिन खत्म होता है, तो जो आपके 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, आपने सुना होगा 14 भुवन, तो मिडल में क्या है, अर्थ है। किसी पास गेंद है कोई गोल, मैं रूम में भूल गया, मैं कोई फ्रूट मैं रखा भी था, निकाल गया, ऑरेंज है, एप्पल दो, अंगूर नहीं, आधा कटा हो तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, है क्या? ये वाला एप्पल, दिस एप्पल इज टू डायमेंशनल, नहीं है। एनीवेज आप समझिए इसको, सिचुएशन को। ओके नाउ वो बॉक्स दे दीजिए प्रभु जी, गिव मी दैट बॉक्स, या दिस विल आल्सो मेक थिंग्स अंडरस्टूड। तो आप ये देखिए, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोक है, 14 लोकों में 7-6 ऊपर है, मिडल में भूमंडल है और 7 नीचे हैं, ठीक है? तो ऊपर के जो हैं वो क्या है, भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक एंड सत्यलोक। सत्यलोक जहां ब्रह्मा जी का वहां पे है, और नीचे हैं 7, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल एंड पाताल, ठीक है? लेकिन आप समझो इस चीज को कि जो नीचे के 7 लोक हैं ये भूमंडल के साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर के लोकों में तो गैप है, स्पेस है थोड़ा, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि मतलब आप यहां से अगर डिगिंग चालू करोगे तो आप नीचे तक पहुंच जाओगे, पाताल लोक तक। वैसी ड्रिल मशीन बनी नहीं अभी तक, लेकिन अगर आप करोगे तो यू कैन रीच देयर, ठीक है? तो ये तो होता क्या है कि तो जब प्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं,
तो जो इसके नीचे, अब ये जो आपका पाताल है नीचे, पाताल के नीचे कौन है? अनंत शेष है, ऐसे बैठे हैं, और साइड पे 28 नरक लोक भी हैं इधर उधर, पाताल लोक के नीचे है नरक लोक, और यहां पर अनंत शेष ऐसे बैठे हुए हैं, और अनंत शेष फिर किसके ऊपर बैठे हैं? कूर्म के ऊपर, कूर्म अवतार। और कूर्म किसमें? पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। कौन से पानी में? गर्भोदक सागर में, गर्भोदक सागर में स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तो क्या होता है? पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, नीचे से अनंत शेष गर्मी ही करते हैं, मीन्स वो बहुत गर्म हो जाते हैं, रुद्र हो जाते हैं, तो सब जगह आग लग जाती है। आग लगते 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 वो ऊपर पहुंचती है, भूमंडल तक पहुंच जाती है, भूमंडल से ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, और ऊपर महर लोक। नष्ट नहीं होता लेकिन महर लोक तक उसकी इतनी गर्मी आ जाती है कि महर लोक के लोग जो है वो जनलोक में चले जाते हैं, अपना जहाज पकड़ के वो फ्लाइटें बुक करते हैं अपनी और ऊपर चले जाते हैं। एक तरह से महर लोक डिस्ट्रॉय तो नहीं होता लेकिन महर लोक एम्प्टी हो जाता पूरा। तो ऊपर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये तीनों में, और महरलोक भी कहो, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये चार लोक बचते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर ये सारे नीचे के सिस्टम की जो 10 लोक हैं जो खत्म हो गए उनकी दोबारा से रचना करते हैं, दोबारा से उसमें प्राणी डाले जाते हैं, सब कुछ होता है। और जब ब्रह्मा जी की डेथ होती है, 100 साल पूरे होते हैं, फिर तो पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है, फिर सारे ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं? महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये अल्प प्रलय होता है उस समय जो जीवात्माएं होती हैं जिनको मृत्यु आ जाती है उस अल्प प्रलय में, वो जीवात्माएं कहां जाती हैं? वो गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ में चली जाती हैं, पेट में चली जाती हैं। और जब पूरा प्रलय होता है तो सारी जीवात्माएं कहां जाती? महाविष्णु के गर्भ में जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको और अच्छे समझेंगे कि भगवान से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से आते हैं महाचतुर्व्यूह से, संकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं आपके कारणोदक्षय विष्णु। अब लोगों को कई बार कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा सा आसान करके बताता हूं कि जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो बाउंड्री है वो है विरजा नदी या कारण सागर, या ये कह लो कि जितने भी ब्रह्मांड हैं भौतिक जगत के ब्रह्मांड हैं जो कि अनगिनत हैं, हर एक ब्रह्मांड फ्लोट कर रहा है उस कारण सागर के ऊपर। और उस कारण सागर, जो कारण उदक मतलब पानी, शाही मतलब लेटना, जो विष्णु कारण सागर में लेट जाते हैं उनको बोलते हैं कारणो उदक शाही विष्णु, सिंपल टू रिमेंबर। ठीक है, और कारणोदक शाही विष्णु की पहचान क्या है? अगर कोई आपको पेंटिंग दिखाए और उसमें लक्ष्मी जी ना हो विष्णु के साथ और लेटे हो, वो कारणोदक शाही विष्णु। कारणोदक शाही विष्णु के साथ लक्ष्मी जी नहीं होती है सामने की फॉर्म में, उनकी जो वाइफ है रमा देवी या महालक्ष्मी, वो योग निद्रा के रूप में उनके साथ उपस्थित होती है। ठीक है, फिर उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है, और ब्रह्मांड फिर अगेन उसकी उसमें नहीं जा रहे लेकिन ब्रह्मांड के अंदर फिर कारणोदक्षय विष्णु प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर। अब ब्रह्मांड खाली होता है, अब वो विष्णु अंदर प्रवेश करते हैं, क्या करूं मैं, तो अपना ही पसीना, अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं और उसके ऊपर लेट जाते हैं। तो पसीने का एक संस्कृत वर्ड होता है गर्भ, गर्भ उदक शाही विष्णु, जो अपने ही उस पर लेट जाते पानी पे, तो गर्भ उदक शाही विष्णु, और वहीं उनके नाभि से फिर ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर यही गर्भ उदक शाही विष्णु विद इन ब्रह्मांड, अपने ब्रह्मांड के अंदर ही अपना एक और विस्तार करते हैं एक और विष्णु के रूप में। वो विष्णु कण कण में परमात्मा रूप में विद्यमान है, और वो विष्णु के दो रोल हैं, वो एज अ ही एक्ट एज अ गॉड, एक्ट एज अ डेमी गॉड बोथ, वो देवता का काम भी करते हैं और भगवान का काम भी करते हैं। और वो कहां पर रहते हैं? पोल स्टार, ध्रुव लोक, पता ना पोल स्टार। अब पोल स्टार की विशेषता क्या है? पोल स्टार पे एक सागर है लेकिन वो व्हाइट कलर का है, क्योंकि वो दूध का सागर है। दूध को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षीर, क्योंकि वो क्षीर वाले सागर में लेट जाते हैं, इसलिए उनका नाम होगा क्षीरो दक्षाई विष्णु। और अब देखिए, शीरो गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ भी लक्ष्मी होती है, शीरोदक्षाई के साथ भी लक्ष्मी होती है। अब लक्ष्मी जी कहां से आ गई अचानक से बीच में? पहले तो नहीं थी, क्योंकि जब महाविष्णु लेटे होते हैं योग निद्रा में उस समय जो उनकी वाइफ है रमा देवी, उनकी जो छाया शक्ति है माया देवी, वो प्रयास करती है विष्णु के साथ कॉन्टेक्ट करने का,
लेकिन विष्णु जी सिर्फ साइड ग्लांस करते हैं, उसको रोक देते हैं वहीं पे, और ठीक है फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो उसमें नहीं जा रहे हम। लेकिन उसके बाद लक्ष्मी जी जब गर्भोदकशायी विष्णु में आते हैं तो लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती सामने कि अब दोबारा कोई मेरी मेड सर्वेंट ना आ जाए मेरे पति के पास, इसलिए वो प्रकट होती हैं। और उनको एश्योर करने के लिए लक्ष्मी देवी को कि मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है किसी को क्रिएट करने के लिए, भगवान अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा कर देते हैं कि बिना किसी स्त्री के आई कैन स्टिल क्रिएट, आई डोंट नीड एनी फीमेल फॉर दैट। उनका डाउट क्लियर करने के लक्ष्मी जी का मुझे फीमेल की जरूरत नहीं है कोई क्रिएशन करने के लिए, आई कैन डू अदरवाइज ऑल्सो। बट लक्ष्मी जी प्रकट इसलिए हो जाती है कि अब आई हैव टू बी केयरफुल। महाविष्णु में लक्ष्मी जी नहीं होती, शिरोदक्षाई गर्भोदक्षाई दोनों में लक्ष्मी है। और ज्यादातर जो कंफ्यूजन आपको होती है शास्त्रों में कि विष्णु इनकी स्तुति कर रहे हैं विष्णु उसकी स्तुति कर रहे हैं, ये जो कंफ्यूजन है जो भी शिरोदक्षाई विष्णु की फैलाई हुई है, उसका कारण यह कि वो देवता की भूमिका भी निभाते हैं। कोई भी कोई अच्छा कार्य करता, ब्रह्मा जी ने कुछ कर दिया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पहुंच जाएंगे, शिव जी ने कुछ महान कार्य किया और शिव जी की स्तुति कर देंगे, दुर्गा जी की स्तुति कर देंगे, इवन डिड स्तुति ऑफ हिरण्यकश्यपु, जो हिरण्यकश्यपु इतनी घंघोर तपस्या करके आया, ही डिजर्व क्रेडिट। कुछ 36,000 साल तक ऐसे खड़ा रहे तो ही डिजर्व अ क्रेडिट, तो उसको भी क्रेडिट दे दें। अब ये थोड़ी हिरण्यकश्यपु भगवान हो गया, बिकॉज ही एक्ट एज अ देवता, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसलिए एक श्लोक आता देवानाम उचितो यथा, कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, विष्णु है। तो अब ये भूमिका होगी गर्भोदक। अब गर्भोदक सागर आपको पता लग गया कौन है, आपको विष्णु जी पता लग गए, ये सारा एक आइडिया। अब ये कंटेक्स्ट क्यों समझाया गया, आप देखिए अगर फर्स्ट कैंटो पढ़ते हो भागवतम का, भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बेसिकली क्या, भागवतम कहाँ हुई चर्चा, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। लेकिन उससे पहले भागवतम के फर्स्ट कैंटो का लास्ट चैप्टर है उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी एंटर करते हैं। सुखदेव गोस्वामी तब आते हैं, बंदा कहता है इससे पहले 18 चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, ये सीधा यहीं से शुरू करते ना तो ज्यादा बढ़िया था। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा परीक्षित महाराज कौन है, सुखदेव गोस्वामी कौन है। जस्ट टू एस्टैब्लिश द कैरेक्टर्स प्रॉपरली, उनके कंटेक्स्ट में जो जो चीजें आई वो बताया गया। परीक्षित महाराज कौन है जी, पांडवों के पोते हैं। पांडव कौन है जी, पांडवों का वर्णन आया। परीक्षित महाराज को बचाया गया वूम के अंदर, किसने बचाया, कृष्ण ने बचाया, तो भगवान की डिस्क्रिप्शन आई। अब पांडव थे, पांडवों ने कैसे रूल किया उसका डिस्क्रिप्शन आया, तो भीष्म देव का आ गया। अब सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं, व्यासदेव के, तो व्यासदेव आए तो क्यों सुना रहे भागवतम, तो व्यासदेव ने क्यों लिखी उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके करते करते शुरू कहां से हुई, फिर अभी कहां करंट चल रही है कि शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से, तो वो कंटेक्स्ट सेट किया गया पहले, फिर जाके परीक्षित महाराज की एंट्री हुई, सॉरी सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है, ताकि आप लोगों को समझ आए। जैसे भगवद गीता यहां से भी शुरू हो सकती है ना सीधा ही, क्या है वो कार्पण्य दोषोपहत्स्व भाव, पहला चैप्टर क्या है, सैन्य निरीक्षण, क्यों है, कंटेक्स्ट सेट करने के लिए, क्यों बोलनी पड़ी भगवान को ये चीज। नहीं तो भगवद गीता तो वहां से हो ना, भगवान ने जहां से बोलना शुरू किया एक्चुअल में बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले कंटेक्स्ट सेट होता है, और शास्त्र हमेशा कंटेक्स्ट के साथ ही समझे जाते हैं, वैसे नहीं समझ आते। इसलिए जस्ट टू सेट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वराह देव के अपीयरेंस, हमने ये चर्चा की विष्णु अलग अलग कौन से हैं, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम कौन से हैं, और गर्भोदक सागर क्या है, ताकि आपको आराम से विजुअलाइज हो सके वो क्या हुआ क्या है। तो देखिए जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करनी शुरू की, जैसे आज के दिन जब दोबारा से करते हैं उठने के बाद, तो ब्रह्मा जी के अलग अलग जगह से अलग अलग प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो पहले तो चतुष्कुमार हुए, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कुछ करेंगे नहीं जी, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, गुस्सा हुआ तो रुद्र पैदा हुए, रुद्र को बोला क्रिएशन करो तो कुछ और ही पैदा कर रहे थे जो सब लोग तबाही मचा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाइए आप कैलाश पे जाइए, मैं कुछ और देखता हूं, लेट मी डू, मैंने आपको क्रिएशन करने को कहा तो डिस्ट्रक्शन करे जा रहे हो, उल्टा सारी चीजें तोड़ रहे हो। हाँ ऐसे करते करते और कई प्रकट हुए, फिर फाइनली कौन प्रकट हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। मनुष्य शब्द मनु से आया। अब ये भाई बहन नहीं थे कि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो दो भाई बहन थे आपस में शादी कर ली, ये पति पत्नी के रूप में प्रकट हुए थे। तो इन्होंने स्वयंभू मनु ने कहा कि पिताजी आप बताइए करना क्या है, वी आर रेडी टू पॉपुलेट, हम करेंगे, यू नो क्रिएशन बढ़ानी है, सब कुछ करना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो विल डू इट।
एंड ब्रह्मा जी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उससे पहले कोई ऋषि मुनि इत्यादि प्रकट हो रहे थे, वो कर तो रहे थे, इतने वो नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, बट ही इज द फर्स्ट वन जो पहले खुद ही कह रहा है कि मैं करने को तैयार हूं, बोलिए। तो ऑब्वियस है, जब आप शादी से पहले क्या चाहिए होता है, मान लो घर चाहिए ना, उजाड़ में तो नहीं रहेंगे आप। तो मनु महाराज ने भी कहा कि हम रहेंगे कहां, आई एम रेडी टू पॉपुलेट, लेकिन कुछ जगह तो दो हमें, असाइन करो पे टू स्टे। तो ब्रह्मा जी ने कहा यस, भूमंडल पे रहेंगे आप लोग, भूलोक। अब ये जो मैंने बताया भूलोक मिरर प्लैनेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर ये भूमंडल है, भूमंडल के अंदर एक जगह है कॉल भारत खंड, भारत खंड जिसमें हम रहते हैं, जो पृथ्वी है गोल, बाकी ये फ्लैट है। इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं, सेंटर में जम्बू द्वीप है और 7 समुंदर इसी द्वीप पे है, जो बोलते हैं ना 7 समुंदर पार व्हाटएवर, ठीक है। तो 7 समुंदर इस पृथ्वी के ऊपर जिसपे हम रहते हैं, इस पृथ्वी पे एक ही समुंदर है, उसके नाम हमने अलग अलग दे दिए लेकिन है एक ही, वो तो हमने रट्टा मारने के लिए अलग अलग नाम रखे हुए, एक ही समुद्र है ना, सारा कनेक्शन करें तो सॉल्ट ओशन, पर यहां पे 7 समुद्र है। लेकिन जो ये ब्रह्मा जी का वहां रहो, लेकिन मनु जी ने कहां रहे, भूमंडल पे रहो, किधर है भूमंडल। तो ये जो मैंने बताया था, ये जो भूमंडल था, ये पूरा का पूरा आप समझिए, ये आधा ऐसे ऊपर से फ्लैट है, नीचे से ऐसे है, जिसके अंदर नीचे 7 लोक है प्लस ऊपर भूमंडल, ये पूरा था ही नहीं वहां पे, किधर गया। ब्रह्मा जी बिजी थे क्रिएशन में, इधर उधर चीजों को देखने में, ये जो भूमंडल था इसका बैलेंस हिला और ये नीचे नीचे जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए और ये कर्मोदक सागर में डूब गई। ब्रह्मा जी कह रहे किधर गई। अब इतना बड़ा प्लैनेटरी सिस्टम, अब ब्रह्मा जी यही चिंता कर रहे थे, मैं करूं क्या इसका, कैसे निकालूं बाहर, मेरे बस का तो नहीं है। इवन इफ यू आर, तो लेसन यहां से हमें ये सीखने मिलता है कि इवन इफ यू आर बिग कंट्रोलर लाइक ब्रह्मा, तब भी चीजें पूरी आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट द अल्टीमेट कंट्रोलर। अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है, भगवान है। तो जो ब्रह्मा जी ने किया वो हमें करना है। जब चीजें आपके सिस्टम से बाहर हो, आपकी शक्ति से, आपकी उससे बाहर हो, तो क्या करना चाहिए, जस्ट प्रे टू द लॉर्ड एंड सरेंडर टू द लॉर्ड, दैट्स व्हाट ब्रह्मा जी डिड। जब ब्रह्मा जी ने वो किया, भगवान को समर्पित कर दिया, मेडिटेट किया, भगवान के ऊपर ध्यान किया, तो क्या हुआ, क्या प्रकट हुआ, वरादे प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी डाउटफुल थे, ये कौन प्रकट हो गया नाक में से, मन नाक, नाक कोई वो तो अच्छी जगह तो नहीं है ना, ये साफ सुथरी जगह तो है नहीं। और ब्रह्मा जी को डाउट क्यों था कि कौन है, वो इसलिए था कि ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से अलग अलग चीजें वैसे प्रकट हो ही रहे थे, जीव अलग अलग जन्म ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी का यहां से भी कुछ नया ही आया, कोई लगता पता नहीं कौन है, और देखते ही देखते वो छोटा सा जो था वो बड़ा होना शुरू हो गया, करते 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 इतने बड़े, आप अब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो आप समझ लो बहुत बड़े, माउंट एवरेस्ट यू नो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, यू नो, ताकि आप, हम बुद्धि में समझ सके, लेकिन हमारी बुद्धि से परे है वो, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए कि ब्रह्मांड की आउटर कवरिंग पे जा रहे थे वो, आप समझ लो इतने बड़े थे। और तब उन्होंने गर्जना की जोर से, जब वो गर्जना करी, उस गर्जना में जो साउंड था जो कानों में पड़ा देवताओं के, ब्रह्मा जी के, तब वो समझे कि तो ये परम भगवान है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो फिर सबने स्तुतियां करी, सबने जय जयकार किया, स्तुति की देवताओं ने, और फिर ब्रह्मा भगवान ने डुबकी मारी सीधी समुद्र के अंदर, और फिर नीचे से जो पृथ्वी थी, पृथ्वी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, भूमंडल यूज करूंगा, उसको उठा के लाए, और जब उठा के ला रहे थे अपने दो दांतों पर ऐसे, ये जो नॉर्मल सुअर होते हैं जो घूमते हैं इधर, उसके दांत नहीं होते, जो जंगली सुअर होता है उसके होते हैं, बोर बोलते हैं उसको, इसको जनरली भाषा में पिग बोलते हैं, बट जंगली सुअर को बोर बोलते हैं, बोर। तो उसको ऐसे उठाया कि क्या लग रहा था कि जैसे चंद्रमा में दाग हो कोई, तो भगवान को कंपेयर किया गया चंद्रमा के साथ, चंद्रमा जैसे छोटा दाग होता है, तो ऐसे ही भगवान ने उसको, और भगवान का साइज क्या था, और भूमंडल इतना सा लग रहा था रखा हुआ ऊपर, कि ऐसे टिकाया हुआ छोटी सी चीज, और भगवान ने आके क्या किया, फिर उसको दोबारा स्थापित किया और फिर उसको फ्लोट करने की शक्ति प्रदान की। तो ये जो वरा थे जो ऐसे डिप मार के गए थे और बाहर निकाल के ले आए थे,
ये थे व्हाइट कलर के, कौन से थे? व्हाइट कलर के, श्वेत वराह। इसमें कोई कोई उनकी लड़ाई नहीं हुई किसी के साथ, वो गए और निकाल के ले आए। और जैसे एक आपने देखा होगा, भगवान भगवान जानवर नहीं है, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं किसी फॉर्म में तो भगवान वैसा ही एक्ट करते हैं। तो जैसे आप किसी जैसे किसी जानवर को पानी डाल दो, जैसे डॉग के ऊपर पानी डाल दो, फिर क्या करता है वो? ऐसे झाड़ता ना, शेक करता अपना। तो वराहदेव ने उसको स्थापित करने के बाद अपना, क्योंकि पानी से निकल के आए थे तो अपना ऐसे शरीर झाड़ा पूरा ऐसे से, तो उनके कुछ बाल वो इस पृथ्वी पर भूमंडल पर गिरे, एंड दैट इज कॉल्ड कुशाग्रास, जो आप यज्ञ में सब जगह यूज करते हैं कुशा, एंड दैट इज हेयर ऑफ वराहदेव, इसलिए उसको ऑस्पिशियस कहना गया। और अब उसके बाद ये हुआ स्वयंभू मनु के समय, फर्स्ट मनु के समय, कौन से? श्वेत वरा, व्हाइट कलर के वराहदेव प्रकट हुए। उसके बाद फिर धीरे धीरे और मनवंतर निकल गए करते करते करते, अब आए सिक्स्थ मनु का टाइम। सिक्स्थ मनु में कौन? चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनु के समय जो आपने दक्ष का नाम सुना, दक्ष एक ऐसी पर्सनालिटी है जो स्वयंभू मनु के समय भी थे और फिर चाक्षुष मनु के समय भी थे। स्वयंभू मनु के समय तो वध कर दिया गया था उनका, किसने किया था? वीरभद्र ने। और उसको फिर कौन सा शरीर मिला था? सिर बकरे। उसके बाद उस बंदे ने बहुत पछतावा किया, बहुत तपस्या करी, फिर वो छठे मनवंतर के समय प्रकट हुआ दोबारा, एंड नाउ ही इज ओके बट स्टिल नॉट ओके, बट अगेन एज केम एज प्रजापति। और प्रजापति के रूप में जब आए, हाँ, पर बने प्रजापति। और उनको फिर कश्यप मुनि की 60 पुत्रियां थी, अब मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा कौन सी लीनियज कहां से आई। तो कश्यप मुनि की 60 पुत्रियों में से 17 का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ, और 27 का चंद्रमा के साथ, ओके, 13 का यमराज के साथ, ऐसे करके डिस्क्रिप्शन है, मैं उसके भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो इस 17 में से दो फेमस आपको पता ही है, दीति और अदिति, और कद्रु, दीति अदिति और कई नाम थे। तो अब क्या हुआ कि एक बार कश्यप मुनि अपने बैठे थे पूजा पाठ में, जो भी वो कर रहे थे, बट जो दीति थी, दीति वॉज कि वो चाहती थी कि उसको संतान मिले। कैसी संतान? जैसे उसकी दूसरी बहनों के पास है ऐसी बढ़िया संतान। तो पहले आ गई कंपिटिटिव मेंटेलिटी, जो नहीं होनी चाहिए भक्तों में। कंपिटिटिव मेंटेलिटी होनी चाहिए सेल्फ ग्रोथ की, ठीक है ना, ना कि उसके पास अच्छा क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, है ना, वो कंपटीशन यहां नहीं लगाना है। तो उस समय संध्या का समय था, कश्यप मुनि अपना संध्या वंदन कर रहे थे, तो दीति वॉज अफ्लेक्टेड बाय लस्टफुल डिजायर, और वो कश्यप मुनि को कहती मुझे संतान चाहिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं अभी रुक जाओ, ये सही समय नहीं है, इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि संध्या के समय शिवजी पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, नंदी बैल पे बैठते हैं, पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, उनके साथ कौन होते हैं? भूत प्रेत। अब देखिए भूत कौन बनता है? भूत का मतलब जिसके पास ग्रॉस बॉडी नहीं है, सिर्फ सटल बॉडी है। और एक भूत का मेन उद्देश्य क्या होता है? उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, और सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए ग्रॉस बॉडी चाहिए, सटल बॉडी में कैसे करेगा वो सेंस ग्रेटिफिकेशन? तो फिर क्या करते हैं वो? हम शिवजी तो भूतनाथ है, भूतों पर भी कृपा करते हैं। तो ऐसे लोग जो संध्या के समय यूनाइट करते हैं, उनके गर्भ में शिवजी ऐसे भूतों को डाल देते हैं, बेटा ले तू इधर जन्म ले ले, तू इधर ले ले। तो आजकल ज्यादातर ऐसी प्रोजेनी हो रही है इसीलिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कब क्या करना है, ऐसे वर्ण संकर पैदा होते हैं, भूत प्रेत ही पैदा होते हैं एक तरह से, विद ग्रॉस बॉडी ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो शिवजी और जो तंत्र शास्त्र शिवजी ने लिखे हैं, शिवजी ने लिखवाए हैं, तो जो प्रैक्टिस करते हैं तंत्र शास्त्रों को, उनको क्या कहते हैं? तांत्रिक। तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक भूत को लेता है, क्योंकि भूत का एक्सेस दूसरे रेल्म में भी होता है, तो भूत को लेता है, अपना काम करवाना होता है। और भूत को क्या चाहिए? एक ग्रॉस बॉडी चाहिए, वो किसी की बॉडी में डाल देता है उसको।
मंत्रों के द्वारा जो भी करके, और क्या करता भूत उसके अंदर घुस के उस व्यक्ति की सटल बॉडी को साइड पे करके अपने आप को स्थापित कर देता है वहां पे, उसकी ग्रॉस बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर लेता है, बोलते ना हॉन्टेड, तो उसको भूत घुस गया उसके अंदर, भूत बाधा हो गई, इसलिए होती है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बच्ची ड्रैग्ड कश्यप मुनि, ये सुनने के बाद भी कश्यप मुनि ने कहा कि तुम्हारे जीजा जी लगते हैं एक तरह से शिव जी, सती तो एक तरह से तुम्हारी सिस्टर ही है, तो तुम्हारे जीजा जी भी लगते हैं, तो ही इज वॉचिंग यू विथ थ्री आईज, बट उसने सुना नहीं, नहीं सुना, कश्यप मुनि को ड्रैग किया उसके बाद, बट शी वॉज फीलिंग वेरी, तो पछतावा भी हो रहा था, तो आके दीति डरी हुई थी उसके बाद, शिवजी से डर रही थी। अब उसको पता था मैंने गलत कर लिया। देखिए जब व्यक्ति कामातुर हो जाता है तो उसको ये नहीं रहता, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब महाभारत का श्लोक है आहार निद्रा भय मैथुनम, ये इसी ऑर्डर में क्यों दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन होती आहार, ईटिंग, और ईटिंग से बेटर सेंस ग्रेटिफिकेशन होती निद्रा। जब बंदे को नींद आई होती है उसके सामने आप उसका बेस्ट यू नो पास्ता लसानिया कुछ भी रख दो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा, बोलो मुझे सोने दो बाद में बात करेंगे, जब बहुत तेज नींद आई होती है। और जब व्यक्ति भय जब सेल्फ डिफेंस में होता है तो ना उसको भूख लगती है ना नींद आती है, पता लगे बाहर गनमैन खड़े हैं, आप दरवाजा बंद करके अंदर हो, बाहर आपको मारने के लिए खड़ा है, तो आपको नींद आएगी नहीं, भूख लगेगी, रोज पिज्जा खाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा। और मैथुनम जो व्यक्ति काम आतुर होता है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको नींद आती है, ना किसको डर लगता है किसी चीज का, उसको टेम्परेरी भय मुक्त हो जाता है। लेकिन हमें परमानेंट भय मुक्त होना है भगवान की शरण लेके, लेकिन वो टेम्परेरी भय मुक्त हो जाता है, उसको लगता है आई एम द बॉस। तो वो डर गई और उसके बाद वो शिव जी को प्रे करती है कि आई एम श्योर कि आप मेरे मतलब गर्भ को विनाश नहीं करोगे, उसका विल नॉट डिस्ट्रॉय माई एम्ब्रॉय, मैंने गलत तो किया है, लेकिन एक जो एक क्या बोलते हैं ना अनसिविलाइज हंटर भी होता है, कहते हैं वो भी स्त्रियों पर दया करता है, पर आप तो वैसे भी स्त्रियों की रक्षा करते हो, क्योंकि अच्छे वर के लिए किसका व्रत रखती हैं लेडीज, शिवजी का रखती है ना 16 सोमवार इत्यादि, तो ऐसे करके वो शिवजी को प्रार्थना करती पहले, फिर बाहर आती हैं, कश्यप मुनि भी डिस्टर्ब होते हैं कि You didn't do right thing. और कश्यप मुनि कहते हैं because of your polluted mind, improper time and disobedience and neglect of the demigods. क्या किया तुमने, एक तो polluted mind था तुम्हारा, polluted mind क्यों था, lust चढ़ी हुई थी और चाहिए मुझे भी ऐसा चाहिए मुझे भी ऐसा चाहिए, and that she was totally lustful. Second, improper time, क्योंकि टाइम सही नहीं था, डिसोबीडियंस, मैं मना भी किया तुम्हें तुमने नहीं सुना, और निग्लेक्ट ऑफ द डेमिगॉड आल्सो, तुमने जो कार्य किया है इससे क्या होगा, दो बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे, और वो ऐसे होंगे वो पूरे ब्रह्मांड में हैवक मचा देंगे, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो इसलिए जो 16 संस्कार होते हैं, क्यों बोला गया शास्त्रों में संस्कार क्यों बोले गए, लास्ट वाला तो अंतिम संस्कार होता है, वैसे 44 संस्कार होते हैं लेकिन उसमें मेन 16 होते हैं, और शुरू कब होते हैं, व्यक्ति के जन्म से भी पहले गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है कि आपको किस तरह का बच्चा चाहिए, उस तरह का बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज हो, ये हो, ये हो, देयर इज अ टेक्निक टू डू इट, बट जब हम इम्प्रॉपर टाइम पे लोग करते हैं तो फिर डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले बच्चे पैदा होते हैं, काइंड ऑफ वर्ण संकर और काइंड ऑफ इस तरह की मेंटेलिटी के। लेकिन ये कहा कि उनको मारने के लिए भगवान आएंगे, वो इतने ज्यादा उपद्रवी होंगे कि उनको मारने के लिए कौन आएगा, भगवान आएंगे, तो थोड़ी शांति हुई उसको, दीति को ये सुनकर थोड़ी शांति हुई कि अच्छी बात है, चलो भगवान मारने आएंगे तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और फिर कश्यप मुनि ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पछतावा हो रहा है और तुम मेरे प्रति भी तुम्हारा फेथ है और शिव जी के प्रति भी तुम्हारा एडोरेशन है, तो इसलिए आई ब्लेस यू कि तुम्हारे मतलब हमारी लीनियज में जो तुम्हारा पोता होगा, He'll be the great devotee of the Lord, which is Prahlad Maharaj.
तो ये सुनकर और थोड़ा दीति को शांति होती है, थैंक गॉड। और क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे ये दो बच्चे ये हैवक मचाने वाले हैं, तो वो जन्म ही नहीं देती। सी जनरली आफ्टर 9 मंथ्स यू आर फोर्स टू गिव बर्थ, बट दीति ने 100 साल तक होल्ड करके रखा, 100 साल तक होल्ड करके रखा कि अगर ये बच्चे बाहर आएंगे। लेकिन जब वो गर्भ में भी थे तब भी जो सिस्टम था पूरे ब्रह्मांड का बिगड़ा हुआ था, सूर्य की रोशनी कम हो रही थी, चंद्रमा की रोशनी कम हो रही थी, अजीब अजीब से यू नो ओमेन साइन दिख रहे थे, तब भी ऐसा चल रहा था, देवताओं को स्वर्ग लोक में प्रॉब्लम हो रही थी, अभी वो वूम में ही थे। तो देवता लोग जनरली क्या होता है, जब देवताओं को परेशानी होती किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के पास नहीं जाते। दे डोंट हैव एक्सेस टू विष्णु, दे ओनली एक्सेस टू ब्रह्मा, ब्रह्मा जी लेके जाते हैं उनको विष्णु जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी पापा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, देखो परम पिता ही है ना, फिर है तो पापा जी हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देखो सूर्य की रोशनी कम हो रही, सूर्य कह रहा है मेरा लस्टर कम हो रहा है, चंद्रदेव कह रहा है मेरा लस्टर कम हो रहा है, जल क्या रहा है, वो क्या रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि दीति के गर्भ में कुछ तो है, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए प्रॉब्लम तो है, मैं आपको बताता हूं क्यों है, बैठ जाओ सब लोग, सब बैठ गए, कि मेरे पुत्र हैं चार कुमार, आपको पता है? कहते हाँ जी। कहते चतुष कुमार वैसे क्या है, ब्रह्मवादी है। ब्रह्मवादी का मतलब यह होता है कि जो भगवान को निराकार मानता है, कि भगवान का जो परम स्वरूप है क्या है, निराकार है। पर ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर होता है, ब्रह्मवादी ये कभी नहीं सोचता कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ब्रह्मवादी का यह होता है कि मैं उस ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाऊंगा और दैट विल बी माई गोल और वहां मुझे शांति प्राप्त होगी। लेकिन मायावादी क्या कहता, मैं भगवान बन जाऊंगा। तो चतुष कुमार ऐसे नहीं थे, ब्रह्मवादी थे। और वो एक बार उनकी इच्छा हुई कि हम विष्णु का दर्शन करके आते हैं, वैकुंठ में जाएंगे, ये जो मैंने बताया क्षीर सागर वाला, वहां जाकर दर्शन करेंगे बढ़िया से उनके। अब वो कहेंगे कि भाई ये तो ब्रह्मवादी हैं, ये वहां क्यों जा रहे हैं? ब्रह्मवादी ये नहीं, भगवान की साकार फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता, ब्रह्मवादी भगवान की साकार फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता, बट वो कहता निराकार फॉर्म इज हायर देन साकार फॉर्म, उसका कंसेप्ट ये होता है। तो अब वैकुंठ में 7 गेट हैं, एक 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 करके उन्होंने पार कर लिया, और चतुष्कुमार कौन है, 4-5 साल के छोटे बच्चे और नग्न पूरे, कपड़े भी नहीं पहनते वो, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से अपनी बॉडी को उतना ही रखा है, क्योंकि अगर शरीर बड़ा होगा तो विकार आएंगे, काम क्रोध लोभ वाले विकार आएंगे, तो ना विकार आए ना कुछ प्रॉब्लम हो, बट अंदर से वो मेच्योर है, लेकिन शरीर से वो 5 साल के बच्चे, 4-5 साल के। तो गए तो वहां पे जब बिल्कुल पहुंचे गेट पे, तो गेट पे क्या हुआ, जय विजय ने रोक दिया, आगे ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप ऐसे अंदर जाओगे? दिस इज नॉट द प्रॉपर ड्रेस कोड, ये ड्रेस कोड नहीं अंदर जाने का, ड्रेस क्या, ड्रेस ही नहीं है, कोड तो छोड़ो, ड्रेस ही नहीं है, हाउ कैन यू गो इनसाइड। अब जब उनको ऐसे रोका, चतुष्कुमार को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, और कह रहे हैं कि तुम डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो, ये डिस्क्रिमिनेशन तो भौतिक जगत में होती है, अच्छा बुरा ये वो द्वंद जगत में, तुम वैकुंठ में होके ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि शरीर के लेवल पे देख रहे हो आप, वैकुंठ में होके You don't deserve to be here. श्राप दिया, जाओ, कहां जाओ, भौतिक जगत में जाओ। तब जय विजय को एकदम से वो हुआ। अब देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, अगर उसका लेसन सीखे, डिस्क्रिमिनेशन क्यों आता है पता आप, इन दिस भौतिक जगत में, खैर अल्टीमेटली ये सब कुछ भगवान की आज्ञा से हो रहा था, इच्छा से हो रहा था, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन क्यों आता है यहां पे, डिस्क्रिमिनेशन आता है अटैचमेंट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है छोटा, यहां पे कोई माता जी जिसका छोटा बच्चा है, हाँ? अब देखिए
बाहर कोई अगर बच्चा रो रहा होगा, कोई भी सड़क पर रो रहा है, यू लीस्ट बॉदर, लेकिन जब अपना बच्चा होगा क्या होगा, परेशानी हो जाएगी ना पूरी, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, क्यों, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, प्रभु जी आप इसको फेवर क्यों करते हो, मुझे क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरी अटैचमेंट होगा, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट फेवर कर जाते हैं हम। मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं, जन्माष्टमी पे क्या होता है, सारे डोनर आ रहे होते हैं, प्रभु जी उसको उसको जाने दिया, मेरे डोनर को अपने वालों को भेजे जा रहा है, क्यों अपने वालों को क्यों भेज रहा है, अपने वालों को क्यों भेज रहा है वो ऊपर, क्योंकि अटैचमेंट उस डोनर के साथ। अटैचमेंट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, ये तेरा ये मेरा, मेरा क्यों है, क्योंकि मैं अटैच हूं इससे, ये मेरे से अटैच है इसलिए ये मेरा है, ये तेरा है क्योंकि मेरी अटैचमेंट नहीं इसी से, ये तेरी है। अटैचमेंट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, और फेवर करना किसी को ये अटैचमेंट से होता है। तो कह रहे ये तुम यहां बैठ के कर रहे हो कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा अंदर, और हमारी बॉडी के आधार पर तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, निकलो यहां से। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ बाहर, थोड़ा थोड़ा हो जाता ना, गर्मा गर्मी हो जाती है, तो अब भगवान आए बाहर, भगवान जब आए तो उन्होंने देखा, इमीडिएटली प्रणाम किया, चतुष कुमार ने भी जय विजय ने प्रणाम किया, तो भगवान का वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है, जहां पे सब जगह सेम होता है कि भगवान ने पीली धोती पहनी हुई थी, कौस्तुभ मणि थी, चार हाथ थे, वो सारी डिस्क्रिप्शन है। अब कुमारों ने जब तुलसी लीफ को सूंघा, भगवान के चरणों से हवा लग के जब आई और वो तुलसी की खुशबू चतुष कुमार के नाक में गई, उनका कंसेप्ट ही बदल गया। कहते हम निराकार को सर्वोपरि मान रहे थे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो निराकार में जो आनंद है वो इस तुलसी की स्मेल के आगे कुछ भी नहीं है। तो उनका कंसेप्ट चेंज हुआ, एंड देन उसके बाद भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, चतुष कुमार से माफी मांग रहे हैं कि मेरे डोर कीपर से गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनको अपॉइंट किया यहां पे। अगर सर्वेंट से गलती होती है तो लीडर को चाहिए, लीडर लेता रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज माई मिस्टेक, तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, और आपने जो भी पनिशमेंट इनको दी है मैं उसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आप इनको माफ कर दीजिए। कहते मेरे लिए जो ब्राह्मण है वो सबसे ज्यादा पूजनीय है, अगेन ब्राह्मण जो कर्म और गुणों से ब्राह्मण, वो वाले नहीं कि हम शर्मा जी हैं लेकिन हमें मीट खाने में शर्म नहीं आती, हम चतुर्वेदी हैं हमें चारों वेदों के नाम भी नहीं पता, वो वाले ब्राह्मण नहीं हम कह रहे हैं, जो गुण और कर्म से ब्राह्मण है। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्ट इन्होंने किया, मैं अपनी बाजू काटने को तैयार हूं अगर आप इन्होंने कुछ आपको अपराध किया आपके प्रति। भगवान कहते हैं जो यज्ञ में जो डाली जाता है आहूतियां, उससे मुझे टेस्ट नहीं आता, लेकिन जो ब्राह्मण जो खाता है उससे मैं आस्वादन लेता हूं, आहूतियों से मुझे नहीं स्वाद आता, जो ब्राह्मण भोजन करता है उससे मैं आस्वादन करता हूं। वैसे करके और जय विजय को जैसे श्राप मिला था तो जय विजय ने भी दंडवत किया, उनको बोला था कि ठीक है आपने हमें श्राप दे दिया, लेकिन साथ में ये थोड़ी ब्लेसिंग भी दीजिए कि हमें भगवान की विस्मृति ना हो भौतिक जगत में जाके भी। तो भगवान उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप आशीर्वाद दें कि जल्दी वापस भी आ जाए मेरे पास। तो ठीक है, फिर वो तीन जन्म का बात हो जाता है और फिर वो चले जाते हैं वहां से। नाउ चतुष कुमार आइडिया इज टोटली चेंज, कि भगवान के विषय में जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता वो उस चीज के दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनको तीन जन्म लेने पड़ेंगे कहां पर, एज अ राक्षस, और ये मेरे ऊपर चिंतन करेंगे उन तीनों जन्मों में, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एंगर, ये अलग तरह की मेडिटेशन करेंगे मेरे ऊपर गुस्से में, और उसके बाद फिर मेरे पास वापिस आएंगे। देखिए चतुष कुमार इतने ब्रह्म ज्ञानियों को गुस्सा आ सकता है, नहीं आ सकता। आपको लगता है चार कुमार ऐसा कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि भगवान क्या चाहते थे, फाइट करना चाहते थे। अब अगर जय विजय खड़े हैं, विष्णु जी अंदर बुलाते हैं, आओ जरा एक मिनट, हाँ मेरे से युद्ध करो, प्रभु जी सॉरी, प्रभु जी आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं ना लड़ो, चलो मुझे मुक्का मारो, ये क्या कर रहे हो,
जयव जी की हिम्मत ही नहीं ऐसा कर लें, लेकिन भगवान को लड़ाई करनी है तो हमसे थोड़ी लड़ेंगे, वी आर नॉट डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों को ही वो रोल देंगे, तो कृष्णा ऑर्केस्ट्रेट द पूरा स्टेज, उसमें अपने भक्तों को रोल देते हैं अलग अलग, तुम डायरेक्टर बन जाओ, तुम एक्टर बन जाओ, तुम प्रोड्यूसर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, इनको बोला कि तुम बढ़ो, मुझे लड़ना है, मैं प्रूव करूंगा क्यों क्यों भगवान का लड़ने का मन था, वो हुआ और अब भगवान ने इनको प्रकट किया जय विजय के रूप में, ये भगवान का ही सारा प्लान था, और वैसे भी भगवान ने एक रीजन दे दिया इनको जय विजय को, कहते वैसे ये होना था ताकि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, एक बार आपने लक्ष्मी जी को रोक दिया जब मैं सो रहा था, तभी उन्होंने माइंड में थोड़ा गुस्सा कर गई थी वो, उन्होंने सोच लिया था तभी, इसलिए ये फॉल डाउन हो रहा है आपका, ठीक है। लेकिन जब वो आए, अब देखिए तो पहले जन्म में क्या हुए, दो भाइयों के रूप में प्रकट हुए जुड़वा, कौन से थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और एक लेसन यहां से हम और समझ सकते हैं, फिर ब्रह्मा जी देवताओं को स्टोरी बता रहे हैं तो बोले चिंता मत करो, ये भगवान के प्लान से हो रहा है, एंड कृष्णा विल कम टू किल देम ऑल्सो, तो फिर देवताओं को शांति हुई। तो इसलिए भगवान का क्या प्लान है अगर वो समझना है तो भक्तों के संग में रहो, क्योंकि भक्तों के संग में रह के समझ आएगा इवेंचुअली कि भगवान का प्लान क्या है, दे कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ कृष्णा टू यू, अदरवाइज नहीं समझ आएगा मेरे ऊपर ये जीवन में क्या हो रहा है। तो एनीवेज अब 100 साल बाद जन्म दे दिया इनको, फिर सारा कुछ बैड होने लग गया। हिरण्याक्ष का मतलब है जो हर जगह क्या देखता था, गोल्ड, हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यपु जिसको दो चीजें चाहिए, गोल्ड और सॉफ्ट पैड। तो हिरण्याक्ष क्या करता था, अलग अलग डायरेक्शन से सोना लूट के लाता था अपने भाई के लिए, इधर से लूट लो, इधर से लूट लो, इधर से लूट लो, यहां से लूट लो, वहां से लूट लो। तो उसने क्या किया, भूमंडल में खोद खोद के उसको इतना सोना निकाल लिया कि उसका बैलेंस हिल गया, फिर से भूमंडल का फिर से बैलेंस हिल गया, और कहां गिर गई वो, फिर से गर्भोदय कोशिन में चली गई। कुछ यहां कुछ डिस्कशन ये भी है, और कहीं पर डिस्क्रिप्शन ये है कि उसने कहा यहां इतना गोल्ड है, इसको फिलहाल मैं छुपा देता हूं कहीं पर, बाद में आराम से निकालते रहेंगे। तो इस समय अब वो तो डिसबैलेंस हो गई, अब हिरण्याक्ष जो था वो अपना कंपटीटर ढूंढता था कि मुझे लड़ाई करनी है किसी के साथ, कोई तो मिले मुझे, कोई तो मिले, कोई मिलता नहीं था। इंद्रलोक गया, मैं इंद्र से लड़ता हूं, अमरावती गया तो इंद्रलोक खाली पूरा, वो पहले डरे हुए थे इससे। फिर ये पानी में चला गया, वरुण देव को कहता है मुझे लड़ना है आपसे, और बड़े सरकास्टिक वे में दंडवत करके, हे मेरे प्रभु मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे लड़ना है। पहले तो वरुण देव को गुस्सा आता, पर कहते नहीं मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मैं कहां लड़ूंगा तुम्हारे पास, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, ये वो, एक मैच है तुम्हारा, विष्णु से लड़ो जाके। ये कहां मिलेंगे, नारद मुनि से पूछो। नारद मुनि ने बताया कि अभी तुम वहां चले जाओ, गर्भोदक सागर में ही है वो, जो तुमने किया है ना उसी को निकाल रहे हैं नीचे से। एंड दैट टाइम जब दोबारा से भूमंडल नीचे चला गया था, दैट टाइम अगेन ब्रह्मा जी की नाक से ही प्रकट हुए दोबारा से वरादेव, लेकिन इस बार वरादेव रेड कलर के थे, मतलब चाक्षुष मनु के समय रेड कलर के प्रकट हुए, और वो नीचे जाके फिर से निकाल के लाए। और देखिए गर्भोदक सागर में फिलती जगह, नीचे जाके कीचड़ है, सब कुछ है, तो कीचड़ में कौन जाता है, सुअर जाता है। तो वो नीचे से निकाल के ला रहे थे, पृथ्वी को यहां बिठाया हुआ है और लेके आ रहे हैं, इतने में ये भी भाई साहब आ गए गर्भोदक सागर में, और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, वरादेव को गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत उल्टा गुजा बोला। वरादेव को एजिटेशन हुई, गुस्सा भी आया, लेकिन पृथ्वी देवी बैठी हुई थी तो रोक लिया अपने आप को कि डर ना जाए, कुछ ये ना हो जाए। और फिर उसके बाद गर्भोदक सागर के सर्फेस पे जब आए तो भूमंडल को सर्फेस पे रख दिया, उसको फ्लोट करवा दिया वहां पे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, Indeed, we are the creature of the jungle and searching for hunting dogs like you. बोला ना तुम जंगल के प्राणी हो, ये ना तुम क्या करो, सुअर कहीं गए हो, कहते यस हम जंगल के प्राणी हैं, लेकिन तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने आए, वहां का डायलॉग है ये, टू किल द डॉग्स लाइक यू। तो फिर अब मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूं, लेकिन बहुत लंबी फाइट होती है, मैं फाइट का डिस्क्रिप्शन, टाइम कम है, कैसे कैसे अलग अलग फाइट होती है, पहले अपना अलग अलग वेपन से लड़ते हैं, गदा से लड़ते हैं, इससे लड़ते हैं, उस शस्त्र से लड़ते हैं, उस शस्त्र से, जब सारे शस्त्र खत्म हो जाते हैं तो वन टू वन मुष्टि प्रहार पे आ जाते हैं, तो बहुत लंबी बैटल चलती है इन दोनों की,
बहुत लंबी बैटल चलती है, और एज यूजुअल देवी देवता जो है ऊपर से देख रहे होते हैं लाइव टेलीकास्ट, और उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा होता है कि जब जब हिरण्याक्ष हैवी हो जाता है वरादेव पे, तो उनको डर लगता है कि अब गए वरादेव, अब अगला शिकार कौन है, हम, तो उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी इससे पहले मेरे को स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को स्तुति करी, बहुत खेल लिया, बहुत हो गया, खत्म करो। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसके कान के नीचे दिया। लिटरली यही बोलते ना हम, कान के नीचे दिया, तो कान के नीचे दूंगा एक। और भगवान ने यही पे लिटरली थप्पड़ मारा उसके यहां पे, पड़ाक करके ऐसे जोर के, करेण कर्ण मूले अहन, अपने हाथ से कर्ण मूले यहां पे मारा थप्पड़ जोर के उसे, वो ऐसे घूम गया पूरा, मर गया। मतलब देखो पहले गदा से उसके प्रहार कर रहे हैं, मुष्टि प्रहार कर रहे हैं, उससे नहीं मरा, कब मरा, एक थप्पड़ मारने से मर गया। और पूरा दिन लड़ते रहे, क्यों, भगवान उसको एक मिनट में मार सकते थे ना, ये आया है कृष्ण चलो, लेकिन कृष्णा वांटेड टू फाइट। फाइट कौन देगा, इक्वल फाइट कौन देगा, ऐसे ही लोग देंगे ना भगवान के भक्त, ठीक है ना। ही वाज जय, विजय वाज हिरण्यकशिपु। तो भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और लास्ट में एक थप्पड़ से मर गया वो, पर इतनी देर इंजॉय किया, फाइट को एंजॉय किया। अगर आप दूसरा केस ले लें हिरण्यकशिपु का, उसको जिस हिसाब से वरदान मिले थे, मैं यहां नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, उस हिसाब से भगवान एक टाइम ये डिसाइड कर सकते, संध्या काल में प्रकट होते, संध्या काल में प्रकट होते, उसको सीधा बिठाते, गोद में फाड़ के खत्म करते उसको। संध्या काल में नहीं आए, प्रकट पहले हो गए, लड़ रहे हैं उसके साथ, कितनी देर युद्ध करते रहे, और फिर जब संध्या काल हुआ फाड़ दिया उसको, क्योंकि ही वॉन्टेड टू फाइट। जब भगवान का स्विमिंग करने का मन करता है तो भगवान स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करते, ना हिंद महासागर में, ना अटलांटिक में, ना पैसिफिक में। वो कहते हैं मैं तो करूंगा बड़ी चीज चाहिए, गर्भोदक सागर में स्विमिंग करते हैं, सीधा मत्स्य अवतार लेके गर्भोदक सागर में स्विमिंग करेंगे भाई, छोटी मोटी जगह नहीं करेंगे। भगवान की खुजली होती है, हम क्या लेते हो, हमारी खुजली होती है, होता ना वो हाथ, हो ऐसे खुजली कर रहे होते हैं, वो हाथ नहीं पहुंचता, प्रभु जी करना जरा खुजली। भगवान के जब खुजली होती है तो क्या करते हैं, वो पहाड़ ही रख लेते पीछे पीठ पे, लॉक करवाओ खुजली बढ़िया से एकदम। तो व्हेन कृष्णा वांटेड टू फाइट, तो फाइट करने का पूरा आनंद लेते हैं, करने मारने को ऐसे मार सकते हैं लेकिन फाइट करते हैं। और मारने के लिए क्या, थप्पड़ से मार दिया उसको, पहले मारा नहीं, गदा से नहीं मरा, हाथ किसी से नहीं मरा, थप्पड़ से मर गया, बिकॉज कृष्णा वांटेड टू फाइट, दैट्स व्हाई। तो इसलिए आज के दिन जी गोस्वामी बताते हैं, वो कहते हैं सूद गोस्वामी सॉरी, वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पाठ साहिब को सुनता है वरादेव के हिरण्याक्ष के वध का, तो उसके सारे भी जो पाप कर्म है, पाप कर्म फल है, इंक्लूडिंग ब्रह्म हत्या, वो सब नष्ट हो जाते हैं जो श्रद्धा के साथ सुनता है। और देखिए इससे हमें ये लेसन मिलता है ह्यूमिलिटी। भगवान देखो कैसे बात कर रहे हैं चतुष कुमारों के साथ, हाथ जोड़ के, हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, मेरे बंदे को कहा कैसे तुमने, प्रभु जी सेवा कर रहा ना, मैंने खड़ा किया उसको यहाँ गेट पे, कर रहा है सेवा, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्राउड मैनेजमेंट कर रहा है ना वो, आपका डोनर कर रहे थे उसको क्राउड मैनेजमेंट, लेकिन भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु जी कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैंने इनको सेवा में यहाँ लगाया, गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या विजय को अलग से समझाया, बट चतुष कुमार के सामने, बट बिकॉज सामने कौन है, वैष्णव है, सामने कौन है, ब्राह्मण है, वी हैव टू वेरी हम्बल एंड द सेम टाइम वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद द वैष्णवास। सामने देखिए जब हम बहस भी करते हैं या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, हम ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने जिससे कर रहे हैं वो भी तो वैष्णव है ना, प्रभु जी मेरे पति अपराध कर दिया उसने, मैं वैष्णव हूं, भाई वैष्णव अपराध हो गया, भाई वो भी तो वैष्णव है। एंड इफ यू थिंकिंग यू आर वैष्णव देन यू आर नॉट अ वैष्णव, क्योंकि वैष्णव का गुण ही यही होता है, वो सोचता ही नहीं मैं डिवोटी हूं, प्रभु जी मैं इतना हम्बल हूं, पता नहीं इसको, आई एम सो हम्बल, आई एम प्राउड टू बी हम्बल, आई एम प्राउड टू बी हम्बल। ह्यूमिलिटी एक ऐसा गुण है,
ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? अपनी स्थिति को जानना। अपनी स्थिति को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट हु यू आर, दैट इज ह्यूमिलिटी। हमारी स्थिति क्या है? हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, और हमारी कोई औकात नहीं है भगवान की इस क्रिएशन में, ठीक है ना? और हम बद्ध जीव हैं, सड़ रहे हैं, सात प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। ये स्थिति को समझना, और मैं इस भौतिक जगत से सिर्फ वैष्णव की कृपा और भगवान की कृपा से निकल सकता हूं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। अपनी स्थिति को समझ, वास्तविक स्थिति को समझना इज ह्यूमिलिटी। और जब हम वास्तविक स्थिति को नहीं समझते तो उसको प्राइड बोलते हैं, उसका उल्टा हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से वरादेव का जो पास टाइम है तो बहुत सुंदर पास टाइम है। दो वरादेव हुए, सफेद वाले और रेड वाले, ठीक है, रेड एंड व्हाइट, वो दूसरी वाली नहीं, रेड एंड व्हाइट वरादेव तो प्रकट हुए। और उन्होंने ऐसे एक बार हिरण्याक्ष, दोनों बार ही भूमंडल को निकाला, पर एक बार हिरण्याक्ष का भी वध किया। अलग अलग मनु के समय हुआ ये, और हम उनसे प्रे करना चाहिए आज कि हमारे, हमें भी भगवान, जैसे पृथ्वी को निकाला, हमें भगवान यहाँ से उठाएं और कहाँ ले जाएं? बैक टू गॉड। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वरादेव की जय। क्वेश्चन आंसर की जय। जल्दी जल्दी, आपका बड़ा अच्छा लेक्चर हमेशा की तरह। मेरे दो क्वेश्चन थे, मैं एक ही पूछूंगा जी। हमेशा ऐसे होता है आपके जी। एक तो था कि थोड़ा पास है, जब चतुष कुमार को ने ऑफेंस किया था, इनके प्रति ऑफेंस हुआ था, तो उसमें किसी पुराण में वर्णन है, सार्वभौम पूजी ने बताया था कि इनको भगवान वैकुंठ ने गोलोक की तरफ लेके जाना चाहते थे, पर क्योंकि इन्होंने इस तरह से उस ऑफेंस को लिया तो इनको इन पांच मुक्ति में से एक में रखा गया है, तो दंड उनको तो मिला ही था। जय विजय को भगवान ने इनको उससे बड़ा दंड दिया था कि इनको उस पांच तरह की मुक्ति के अंदर ही रखा है, तो जो रिवार्ड इनको मिलने वाला था उस तरफ, क्योंकि स्मेल करके वो सुकृति वो सब कुछ मिल चुका था, दे आर क्वालिफाइड, बट इन्होंने क्या किया कि अननेसेसरी गुस्सा क्रिएट किया जो कि उतना लॉजिकल नहीं था, तो उस वजह से भगवान ने इनको उस मुक्ति पर रोक दिया, ऐसा वर्णन है। साहबों प्रभु ने बोला तो डेफिनेटली होगा, मैं नहीं सुना। ओके मैं तो उसमें मेरे पास इसका वो नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेफरेंस, या फिर मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन साहबों प्रभु ने बोला तो वो स्कॉलर आदमी है, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने रेफरेंस लिया होगा आई एम श्योर। वैसे इतना मुझे पता है वो अभी तप लोक में रहते हैं, चतुष कुमार सत्यलोक के नीचे जो तप लोक है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं। प्रभु कृपा करें। हरे कृष्ण जी, मेरे भी दो प्रश्न है, लेकिन मैं पूछूंगा दोनों, एक छोटा एक बड़ा। एक तो कि जैसे वरादेव जी का आज एक बोलते हैं आचार्य का आविर्भाव बोलते हैं आविर्भाव, एंड तो भगवान के वरादेव के लिए प्राकट्य बोले ना चाहिए या आविर्भाव, ये दोनों सही हैं? क्योंकि आविर्भाव वाले के साथ तिरुभाव भी होता है, तो आविर्भाव नहीं बोलना चाहिए। देखिए असेंस समझिए, भगवान प्रकट हुए आज तो प्राकट्य। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे आपने कहा था कि भगवान ने जिम्मेदारी ली कि इन्होंने गलती की, तो लीडर जिम्मेदार होता है, तो 1972 के प्रोवाइड के लेक्चर में, डरबन के लेक्चर में, एक उनके शिष्य ने पूछा, मतलब प्रेजिडेंट ही थे वो, कि प्रोवाइड लोग मंगल आरती नहीं आ रहे हैं, तो यू आर प्रेजिडेंट इज लाइबल, तब बंदा आ नहीं रहा, और वाई प्रेजिडेंट इज लाइबल, वाई प्रेजिडेंट इज लाइबल, तो मतलब सर लोगों को शिक्षा देने के लिए या आगे भी ऐसा वो हो, तो इसको कैसे समझेगी प्रेजिडेंट रोल? अगर मंदिर में कुछ चीजें व्यवस्थाएं नहीं सही से चल रही हैं, तो प्रभुपाद उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है, ही हैज टू मेक श्योर, यू नो, ये नहीं कि प्रभुपाद ये समस्या है कि लोग मंगल आरती नहीं आ रहे, समस्या सुनाते रहो, समाधान क्या है? वी सपोज टू डू कुछ ऐसा चीजें करें जिससे लोग इंस्पायर हों, आए करें, उन चीजों को ठीक करें, राइट? और अगर कुछ गलत हो रहा है अल्टीमेटली, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो टेम्पल प्रेजिडेंट है, टेम्पल प्रेजिडेंट के ऊपर अथॉरिटीज है, ठीक है? पहले प्रॉपर के टाइम तो सीधा होता था, टेंपल प्रेसिडेंट है जीपीसी,
बीच में कोई, अब मॉडर्न जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसके बीच में आईसीसी भी है और कई कमेटियां हैं, लेट्स से अगर हम सीधा डायरेक्ट ले लें कि प्रेसिडेंट और जीबीसी है, तो जो जीबीसी बॉडी है वो आपसे तो आगे नहीं पूछेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, वो देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, सीधा प्रेसिडेंट से पूछेंगे भाई यहाँ क्यों प्रॉब्लम है, ये यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. तो दैट मीन्स ऑल ओवर द लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड लीडर. लीडर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कुछ गलत हो रहा है तो लीडर, अच्छा हो रहा है तो भी, जब अच्छा होता तो क्रेडिट भी तो लीडर को जाता ना, अरे वो बुरा हो रहा है तो मैं नहीं लूंगा क्रेडिट भाई, बुरा इन लोगों ने किया, अच्छा मैं कर रहा हूँ, तो बुरा भी उसको लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द क्रेडिट. डिस्क्रेडिट, क्रेडिट, एवरीथिंग. पीछे माता जी का प्रश्न. हरे कृष्ण प्रभु, थैंक्स फॉर द वंडरफुल लेक्चर टुडे. प्रभु जी आपने बताया कि पोल स्टार जो है वहाँ पर विष्णु जो है वो वास करते हैं, और शीर जो सागर है वो पोल स्टार में है, ध्रुव तारा में, तो वो तो हम भी अगर देखते हैं तो वो उसको हम अभी भौतिक संसार में माने या फिर वो आध्यात्मिक लोक का फिर वो है. देखिए जैसे जैसे इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है, दूसरे देशों की एम्बेसी है, तो एम्बेसी क्या होती है, अमेरिकन एम्बेसी की चार दीवारी में कौन सा लॉ लगता है, अमेरिका का, इंडिया का नहीं लगेगा. उसी प्रकार से भौतिक जगत में भी वैकुंठ की एम्बेसी है, दैट इज श्वेतद्वीप, दैट इज श्री सागर. तो वहां की एम्बेसी में मींस जो वहां की एम्बेसी आध्यात्मिक जगत की, तो उसके अंदर विष्णु जो हैं, जो आप बता रहे हैं, जो परमात्मा भी हैं और डेमिगॉड भी, दोनों ही जो रूप निभाते हैं यहाँ इस संसार के अंदर, तो हम उनको अब इस जगत में वहां का एम्बेसडर माने या किस सेंस में इसको लेके जाए. देखो भगवान अलग अलग रूप जरूर ले लेते हैं, बट एज अ भगवता, एज अ भगवान तत्व तो उनका सेम ही रहता है ना भाई, वो शिरोदक्षाय विष्णु है, चाहे वो गर्भोदक्षाय विष्णु, चाहे वो महाविष्णु है, पोटेंसी वाइज सेम है, पोटेंसी में कोई अंतर नहीं है, शक्तियों में कोई अंतर नहीं है. जस्ट दैट देखिए, एक वैकुंठ का एक सैंपल वैकुंठ इज देयर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, जहां पे शिरोदक्षाय विष्णु है, और जहां भगवान है वैकुंठ ही है, वो वैकुंठ ही है. अगर वो गर्भोदक सागर में वहां चले गए जहां विष्णु जी लेटे हुए हैं, तो वो भी वैकुंठ है. दैट इज, कहने को तो भौतिक जगत ही है ना, गर्भोदक सागर कहां पर है, भौतिक जगत नहीं है ना, लेकिन वहां जहां गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, वो जो एरिया है वो क्या बोलेंगे उसको आप, भौतिक जगत के अध्यात्मिक जगत बोलते, अध्यात्मिक हुआ. सो बट एज फॉर द पोटेंसी इज देयर, चाहे वो शिरोदक्षाय विष्णु हो चाहे महाविष्णु हो, उसमें कोई फर्क नहीं, बहुत सेम पावर. तो जो वैकुंठ की प्राप्ति होती है सबको, तो फिर वो आई थिंक जैसे हम बोले कि अमेरिका जाना है, तो दैट मीन्स हम वैसे ही जाने की बात नहीं करते, फिर हम डायरेक्ट अमेरिका ही जाने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ से भी वैकुंठ की प्राप्ति की बात करें तो पोल स्टार नहीं है फिर, वो डायरेक्ट वो वैकुंठ ही है जो कि आध्यात्मिक जगत में है. और फिर दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि जो ध्रुव महाराज है वो उसी ध्रुव तारे में ही वास करते हैं, जो उनको 36,00,000 वर्षों का जो भी वहाँ पे राज उनको प्राप्त हुआ है, तो ये फिर भगवान भी वहां पे किस चीज से, हम इसको कैसे समझें फिर. तो क्यों नहीं हो सकते दोनों, जैसे नीचे सूतल लोक में बलि महाराज है, साथ में वामन देव भी है, भगवान वहां पे भी है, वहां तो उनके डोर कीपर है. तो अगर यहां पर देखिए, अल्टीमेटली ध्रुव महाराज गए क्यों थे भगवान के पास, क्यों गए थे, ओरिजिनल मोटिव क्या था, उनकी भक्ति थी. भक्ति की वजह से नहीं, He needed kingdom greater than Brahma. लेकिन जब शुद्धिकरण हो गया तो कहते हैं वरम ना याचेत, नहीं चाहिए. भगवान ने कहा नहीं, मैं दे रहा हूं, यू नीड टू रूल, ठीक है ना, यू नीड टू रूल. और फिर यहां पे उन्होंने रूल किया, फिर उनको लेके गए और वहां पे अपने पास रखा वैकुंठ, वैकुंठ जगत ही है वो छोटा सा, तो वहां पे रहते हैं गुरु महाराज. थैंक यू. और अगर यू मे करेक्ट मी, अगर आप लोगों को पता, जैसे मुझे वैकुंठ का ज्यादा ज्ञान नहीं है कोट अनकोट, बट जैसे गोलोक का है कि जब कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, सपोज भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो डायरेक्टली गोलोक नहीं जाता वो, उसका अगला जन्म कहाँ होता है कि भगवान की जहां भी जिस यूनिवर्स में लीला चल रही है उसी यूनिवर्स में वो प्रकट होता है, उन भक्तों के बीच में जहां भगवान प्रकट होते हैं, तो वहां पर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फिर वहां से जब भगवान अपने पास टाइम वाइंड अप करते हैं फिर वो गोलोक में जाता है. तो आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मे बी करेक्ट मी, वैकुंठ का मुझे ज्ञान नहीं हो सकता, पहले यहां जाता हूं फिर वहां से जब है क्या, ऐसे ही होता है कि पहले आप इस वाले श्वेतद्वीप वाले में जाते हो, फिर जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता फिर आप इसके बियॉन्ड वाले में चले जाते हो.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पूजिए। हाँ जी, जैसे कि आपने बताया था कि जो हमारा जो वायु मतलब भूमंडल है, तो जैसे हिरणाक्ष ने रसातल में उसे डाल दिया, तो जब जो गर्भोदक में गर्भोदक सागर में डाल दिया, तो उसमें जो जीव थे हमारे पृथ्वी मंडल पे जीव थे, उस समय तो जीव थे ही, और भी मतलब जो जैसे कि उनके जो माता जी थी वो भी सब रहे होंगे उस मतलब कि पृथ्वी मंडल पे, तो जब रसातल में मतलब जो डाल दिया तब सारे जीव भी उसमें चले गए होंगे, तो उन जीवों का क्या? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दे डिडंट लिव ऑन भूमंडल, वो भूमंडल पे नहीं रहते थे, राइट? वो यहाँ नहीं थे। दूसरा जो प्रश्न है कि उस समय जो भी लोग होंगे, जीव होंगे इस भूमंडल पे, जो अंदर चली गई तो क्या होगा उनके साथ? ऑब्वियस है, आप सोचो पानी में जाके क्या होगा फिर? दे डाइड ऑफ कोर्स। तो मतलब एक तरीके से देखा तो अल्प मतलब वो हो गया ना फिर, तो प्रलय। तो उन्होंने अपने जीवन में किया क्या वैसे? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने लोगों को मारा ही है ना, उन्होंने कोई तो चैरिटेबल एक्ट तो किया नहीं कोई। That's what they're doing. They're, वो डिस्ट्रक्शन ही तो कर रहे थे पूरे ब्रह्मांड में, और क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। वरा द्वादशी की जय।